नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं बॉबी खान, लाइफ ओके न्यूज से क्राइम रिपोर्टर बॉबी खान, और हमारे स्टूडियो में आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों, आज एक हम बहुत अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं। हमारे बीच इतनी ज्यादा ज्यादती जिनके साथ हो रही है, हमारे बीच है मिश्री लाल जी, जिनको आवास योजना के तहत उन्होंने मकान जिसको बनाने के लिए सरकार ने जो योजना निकाली थी उसमें उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट किया था और इसको कई साल हो गए, 17 साल उनका आ गया था। लेकिन एक शख्स ऐसा है, शासन प्रशासन देखते ही नहीं है कि हमारे जो सरकार ने जिन लोगों को यहाँ पर बिठाया है, काम दिया है, वो क्या कर रहे हैं, इन गरीबों पर अपना जुल्म ढा रहे हैं। वही बताने के लिए आज मिश्री लाल जी जो कि हमारे बीच आए हैं और जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अजय सिंह अंतर, अजय सिंह उनका नाम है, प्यास उन्हें अंतर जी भी बोलते हैं, जो कि काला पानी पंचायत के सचिव है कोला रोड पर। तो मैं मिश्री लाल जी से जानकारी लेना चाहूंगा। सबसे पहले मिश्री लाल जी, ये बताइए आप कि आपके परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं आप? सब चार बच्चे, दो होशियार है, मेहनत मजदूरी करते हैं सब। अच्छा, और दो लड़की भी हैं? एक लड़की, शादी हो गई लड़की। अच्छा, तो बच्चे आपके सही हैं सब चार बच्चे? नहीं, एक विकलांग है सर। अच्छा, विकलांग भी है? एक विकलांग है। तो उसपे तो काफी पैसा खर्च हुआ होगा आपको, उसको इलाज कराने में? इलाज बहुत दूर दूर ले गए हमारा, क्या करे सर, वो है ही नहीं सही। तो ये जो आपने योजना का फायदा उठाने के लिए आपने इसमें अपना फॉर्म डाला था, इस पे आपका क्या सिलेक्शन हो गया था, कैसे क्या हुआ था, वो आप हमें विस्तार से बताएं। और ये अजय सिंह जो आपको परेशान कर रहे हैं वो बताएं, क्या क्या हुआ है सर? बहुत दिन से, 3 सालों से फिर रहा है, 2-4 साल से इनके पास। अच्छा, छुट्टी के चक्कर में फिरते हैं, आगे जब बता देंगे। फिरते कुछ दिन हो गए, कुछ मालूम पड़ी कहीं से हमारे को, मालूम पड़ी कि 2017 में आपकी कुटी आ गई। जी जी जी। फिर हम गए उसके पास। जी जी। तो कहने नहीं, आगे जब बता देंगे। जी। हमने फिर उससे बोला, सेक्रेटरी साहब से, साहब हमारी कुटी आ गई है, तुम दो कुटी हो। फिर नहीं सुना, तुम ऑनलाइन के ऊपर शिकार लगा दी। अच्छा, शिकार लगाने के बाद फिर वो घर पूछ गए हमारे, कहना वो कुटी जब ही मिलेगी तो हमारे मम्मी पापा से कहने लग गए, कहना कि वो कंप्लेन वापस लो। मैं घर पे नहीं मिला, काम पे गया था मजदूरी में। अच्छा अच्छा। फिर उठा के उनको के गए, कहना कंप्लेन ले ले वापस। फिर सब घर वहाँ सुबह उसके पास फिर गए। हाँ। उसके पास गया तो कहना के कहने लग गए, कंप्लेन वापस ले जब तेरे को कुटी मिलेगी। अच्छा, मतलब आपने सीएम जो वो थी उसके आपने कंप्लेंट देखी। मैं कुछ दस्तावेज है इनके, मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। ये आपका सीएम हेल्पलाइन पे इन्होंने शिकायत की थी इनकी, तो जब उसको पता चला अजय सिंह जी को कि इन्होंने यहाँ पर शिकायत कर दी, तो उन्होंने उनको बुलाया, समझाया और बोले चलो तुम एक काम करो, तुम्हारा हम काम करवा देंगे, लेकिन तुम पहले ये कंप्लेन वापस लो, यही बोला। हाँ, ऐसे ही बोला। अब ये देखिए कितनी बड़ी धांधली है। उसके बाद इन्होंने एसडीएम जगह जगह इनके पूरे तहसील में भी हमने लगाई है बनखेड़ा तहसील में, गांव खेड़ा तहसील में भी इन्होंने कंप्लेन की है और इनके दस्तावेज पूरे मौजूद है यहाँ पर। ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है और शासन प्रशासन ने इन लोगों को काम दिया, इनको बिठाया, तो इनका ये मतलब है कि ये गरीबों का खून चूस ले, इनके साथ इतनी ज्यादती करें। शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को बड़ी से बड़ी सजा देना चाहिए, उनको उठा के फेंक देना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे गरीब लोग जो जिंदगी से परेशान है, आज इनका हमने, हमारी लाइफों की टीम ने इनके घर को देखा, इस घर की ये हालत है कि आम आदमी वहां रह नहीं सकता है। और कई सालों पहले उनका पैसा आ गया और वो मकान बनाने के लिए, और उस पैसे को उठा के आपने किसी, क्या पता रिश्वत ली होगी, क्या किया होगा, काले धंधे गोरे लोग वाली बात आ गई, तो वो किसी और को दे दिया। जब ये जा रहे हैं इनके पास, समझाया कि भाई हमारे, हमारी चीज हमें तो सरकार ने हमें दे दी पर इन तक नहीं पहुंची, और उसके बाद उन्होंने जब कंप्लेन कर दी सीएम हेल्पलाइन पर, तो उस पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये कंप्लेन वापस कर लो और फिर हम तुम्हारा मकान दिलवा देंगे। मतलब इनको ये भी डर, इतनी दिल बुद्धि, इतनी ताकत शासन प्रशासन के होते हुए इनके अंदर कैसे आ गई। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और इन
मजदूर लोगों को, मजबूर लोगों को शासन प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी आप हेल्प करें और इनको जो इनका जो पैसा वहां से पास हुआ है वो इनको दिलवाए और शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दें। ये मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ मिश्रीराज जी, आप फिक्र मत करें, जनता का प्यार और ये बात जितने लोग मेरी सुन रहे हैं देख रहे हैं इसको लपक के शेयर करें, खुद उसको शेयर करें, वायरल करें, ताकि ये बात मुख्यमंत्री जी क्या मोदी जी तक ये बात पहुंचे और उनको लगे कि हाँ किसी गरीब पर अत्याचार हो रहा है और ये ऐसे लोगों को ऐसी सजा दें कि दूसरे इनको देख के स्वभाव हासिल करें कि ताकि कभी दूसरा इन गरीबों पर अत्याचार न कर पाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, मैं बॉबी खान लाइव हो कैसे, थैंक यू।